हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, कि एक तो क्या सच में नॉर्मलाइजेशन हुआ है? क्या रीज़न है कि मेरे को ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है? मैंने आपको पहले भी बता दिया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और दूसरी चीज़ कि हुआ है तो नंबर क्यों नहीं बढ़े? और तीसरी ये बात कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। लास्ट जो बात करेंगे अपन, वो भी बात करेंगे क्या कोर्ट जाना सही है या नहीं है, क्या हमें कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये चार बातें हैं, इन पर अपन आज मेन फोकस करेंगे। सारी बातें डिटेल में बताऊँगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, मैं वहाँ पर भी टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, अब जो मैं बात आपको कहने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेके, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बात पसंद नहीं आए, लेकिन हकीकत बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन RSMSS में ने किया है। मैं इस बात की पुष्टि 1% नहीं कर रहा कि गपला हुआ है या नहीं हुआ है, मैं उस बात को एग्री नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट ये एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, उसकी जगह स्केलिंग हुई है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों को यही नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेके मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे देखिए RSMSSB के पास में दो ऑप्शन है कि या तो डिलीट क्वेश्चंस जो भी हैं उनके बोनस मार्क्स दे दें। अगर बोनस मार्क्स देती है तो देखिए एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट थे, 16 क्वेश्चन डिलीट थे, और 16 क्वेश्चन अगर डिलीट हुए तो अपने आप में 9 से 10 नंबर इंक्रीज हो गए उस शिफ्ट के, तो ये एक नाइंसाफ़ी होती बाकी स्टूडेंट के साथ में। तो दूसरा ऑप्शन इनके पास में क्या बचता है कि जो भी क्वेश्चन गलत थे उनको डिलीट कर दिया जाए। अब इन्होंने डिलीट कर दिया तो जैसे मान लीजिए कितने आपके 300 क्वेश्चन थे, 300 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन डिलीट हैं और आपके आए कितने सही क्वेश्चन है, 290 क्वेश्चन सही हैं आपके, ठीक है ना। अब 290 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो 290 में से आपके कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, तो ये मान लीजिए आपके मान लेते हैं 180 क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट हुए हैं, 290 में से 180 क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट हुए हैं, तो यहाँ से इसका परसेंटेज निकाला जाएगा और उस परसेंटेज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, 300 में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके से प्लस दूसरा बेनिफिट मिलता है कि कोई, अब डिफ़िकल्टी लेवल देखिए, नॉर्मलाइजेशन इससे भी डिफ़िकल्ट जा सकता है अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं या पर्टिकुलर शिफ्ट पे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, वो अलग मैटर करता है, लेकिन बेसिक जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो इसी तरीके से किया जाता है। एक डिफरेंस तो यहाँ आता है। दूसरी चीज़, अब स्केलिंग में क्या डिफरेंस है, तो स्केलिंग भी आप समझ लीजिए। देखिए, स्केलिंग कभी भी शिफ्ट पे नहीं करी जाती है, एक चीज़ ध्यान रखना, स्केलिंग कभी भी शिफ्ट पे नहीं करी जाती है, स्केलिंग की जाती है पर्टिकुलर स्टूडेंट पे की जाती है, पर्टिकुलर स्टूडेंट पे। अब जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर स्केलिंग हुई, तो स्केलिंग के लिए मैं आपको बता दूं, स्केलिंग अगर होती ना तो किसी भी शिफ्ट के किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ सकते थे और कम हो सकते थे। बढ़ते कैसे, देखिए अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और एक स्टूडेंट दूसरा है उसने भी 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लेकिन ये जिस स्टूडेंट इसने जो 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे इसमें से इसके 80 क्वेश्चन सही थे और यहाँ पे इसके केवल और केवल 60 क्वेश्चन ही सही थे, तो आपको मैं बता दूँ जो एडवांटेज मिलेगा वो इस स्टूडेंट को एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पे इसके मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है उस एक्यूरेसी के मार्क्स बढ़ते हैं यहाँ पे स्केलिंग में। दूसरी स्केलिंग एक तरीके से ये हो सकती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 4 शिफ्ट में से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस शिफ्ट के 2000 बच्चे लेने, इस शिफ्ट के 2000 बच्चे लेने, इस शिफ्ट के 2000 बच्चे लेने और इस शिफ्ट के 2000 बच्चे लेने, तो इस तरीके से भी बच्चे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में बेसिक डिफरेंस दोस्तों यही होता है। अब मैं इसलिए मना कर रहा था आपको कि ना नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हमारी शिफ्ट में ही मार्क्स नहीं बढ़े, तो हो सकता है ना, मैंने आपको सबसे पहले दिन ही कहा था कि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट या तो ईजी हो या फिर उसको बेस बनाया गया हो, उस शिफ्ट को अगर बेस बना देंगे तो कैसे होगा, या फिर हो सकता है दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम डिलीट हुए हों, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं
तो उसके देखिए एक रीज़न तो ये हो सकता है कि उसने जो अपनी आंसर की थी वो पुरानी वाली आंसर की के साथ में चेक किया हो। अगर आपने फाइनल आंसर की के साथ में चेक किया है तो आप अपनी ओएमआर शीट ज़रूर चेक करें। हो सकता है आपने ओएमआर शीट में है ना जो क्वेश्चन टिक करते टाइम पे कुछ गलती कर दी हो, वो ज़रूर चेक कर लें। अगर फिर भी आपका सही बैठ रहा है तो आप एक रिटर्न एप्लीकेशन लगाइए ना RSM SSB में कि सर मेरा ये आपने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, जो हमने सब कुछ चेक किया है, उसके बाद में भी मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हुए हैं। उस ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना दोस्तों, ये मैं आपको बोल सकता हूँ जो ये बोल रहे हैं कि मेरा मार्क्स कम हुए हैं, ये 8 लाख के कंपेरिजन में आप देख लेना कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कंप्लेन कितनी आ रही है। दूसरी चीज़ कोर्ट की बात करें कि कोर्ट में जाएं या नहीं जाएं। एक तो चीज़ ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेके कोर्ट में जाएं या नहीं जाएं। नॉर्मलाइजेशन को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। देखिए नॉर्मलाइजेशन को कोर्ट में चले भी जाएंगे तो उससे पहले एक प्रॉब्लम RSM SSB ने आप लोगों के लिए पहले ही खड़ी कर दी है कि वहाँ पर इन्होंने जोधपुर और आई थिंक जयपुर वाले कोर्ट में इन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन लगा दी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपके पास में LDC के एग्ज़ाम को लेकर आता है तो उसको सबसे पहले आप 3 महीने का वक्त दीजिए और उसको डिपार्टमेंट मतलब RSM SSB में संपर्क करने के लिए कहिए। तो कोर्ट आप अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट सबसे पहले आपको कहाँ भेजेगा, बोलेगा भाई साहब आप RSM SSB में जाओ, और RSM SSB के पास में 3 महीने का टाइम है कि उस स्टूडेंट की जो जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। 3 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, आप एक चीज़ समझ सकते हैं, एग्ज़ाम जो होगा टाइपिंग का कंप्लीट हो चुका होगा लगभग, बोल सकता हूँ मैं, क्लियर नहीं बोल रहा, लगभग क्लियर हो सकता है। दूसरी चीज़ अब आप कोर्ट कैसे जा सकते हैं, कोर्ट तब जा सकते हैं उस केस में कि आप ये बोलते हैं कि सर ये 16 क्वेश्चन जो डिलीट आपने करे हैं इसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने लायक थे ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ को डिलीट किया है। 2013 का एक केस मेरे को याद है अच्छे से कि एक स्टूडेंट कोर्ट में गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था रेनबो का जो कलर बनता है विबग्योर बनता है, आपको पता है विबग्योर बनता है, और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये बचा था कि जो रेनबो का कलर बनता है उसमें से बीच वाला कलर कौन सा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर ग्रीन कलर होता है बीच वाला, लेकिन यहाँ पर RSM SSB ने ब्लू माना था। आपको पता है NCERT में इस चीज़ को ग्रीन बोला गया है। इस क्वेश्चन को लेकर 2013 के स्टूडेंट गए थे कोर्ट में, और हकीकत बात बताऊं उनको कम से कम मना नाना करते हुए 6 से 7 महीने तो लटकाया गया था, और लास्ट में जो इनका सिंगल बेंच पे इनका सुनवाई हुई थी और जो इसका आंसर माना गया था ना वो ब्लू ही माना गया था दोस्तों। इन्होंने सारे सबूत दे दिए थे फिर भी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया था। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको क्लियर हकीकत बात बता रहा हूँ, वास्तविकता यही है, स्टूडेंट के साथ में यही हुआ था जो स्टूडेंट कोर्ट में गए थे। कोर्ट एक सॉल्यूशन नहीं है, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि इन क्वेश्चंस में घपला हुआ है तो आप ज़रूर जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन उससे पहले आप रिटर्न एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं RSM SSB में। और एक तो दोस्तों पर्सनली मैं आपको एक यही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि कोर्ट में जाने से पहले आप एक बार ऐसे करिए कि अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप 2 एप्लीकेशंस लगाइए, सेम कॉपी होनी चाहिए, उसमें से एक कॉपी आप RSM SSB में सबमिट कर दीजिए कि सर इस शिफ्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी कॉपी है उस पर सिर्फ उनका ये कह के साइन करवा लीजिए कि सर हमने आपको इस तरीके की कोई एप्लीकेशन दी, तो आप ऊपर लिख दीजिए रिसीविंग और नीचे अपना साइन कर दीजिए। अगर वो ये एप्लीकेशन आपको दे देते हैं और तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, तो आप इस एप्लीकेशन को ले जाके आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कुछ भी केस जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है नॉर्मलाइजेशन और इसको स्केलिंग को लेकर तो आप फिर उसके बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप नॉर्मलाइजेशन को ना लेकर आप उन क्वेश्चंस को लेकर कोर्ट में जाएं जिन क्वेश्चंस को बेवजह डिलीट करा गया है, जिन क्वेश्चन को बेवजह डिलीट कराया गया है उन क्वेश्चंस को लेकर आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो एक चांसेस बन सकता है। लेकिन यार मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट एक या दो नंबर से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक या दो नंबर से जो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ देखिए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ भी अगर आप मान के चलते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लिए 100 मतलब लास्ट ईयर जो मेरे को याद है जहाँ तक 107 नंबर गई थी जनरल की 100 में से, तो मतलब 107 नंबर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये यहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा लैग कर जाएंगे अगर आप एक दो नंबर बेनिफिट ले लेते हैं, एक दो नंबर भी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक दो क्वेश्चन का फ़र्क देखने को मिलेगा, और अगर एक दो क्वेश्चन का फ़र्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 1.2 मार्क्स या इस तरीके से आपके कोई मार्क्स इंक्रीज़। दोस्तों मैं आपको डीमोटिवेट 1% नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, हकीकत बात यही है कि अगर आप डायरेक्टली कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपको RSM SSB में फॉरवर्ड करेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही इस चीज़ की एप्लीकेशन लगा दी थी। तो आप लोग यही करिए, पहले आप RSM SSB में संपर्क कीजिए और वहाँ से अगर आपको रिवर्ट नहीं मिलता है
उसके बाद में आप अपनी सेकेंड प्रायोरिटीज़ रखिए, जो भी आपका कोर्ट वगैरह या जो भी आप लीगल एक्शन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में कंप्लीट डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।